आज का विषय है कैसे स्ट्रॉबेरी के पौधे को पॉट में ग्रो करें। चले पहले इसकी मिट्टी के बारे में जानते हैं। ये गार्डन सॉयल है जिसमें दो भाग सैंड है और एक पार्ट मिट्टी है। आप नज़दीक से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें कितना सैंड है। मैंने इसके साथ वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली मिलाई है। तीनों को मिला के मैंने मिट्टी बनाई है। इसको ग्रो करने के लिए मैंने एक शैलो पॉट लिया जिसकी हाइट 6 से 7 इंच के बीच है। इस तरीके का पॉट लेने का सिर्फ एक ही कारण है, स्ट्रॉबेरी का पौधा फैलता है, इसलिए मैंने इस तरीके का पॉट लिया है। चलिए मिट्टी को भर लेते हैं। मिट्टी ऑयली नहीं होना मैंडेटरी है क्योंकि इसमें अगर पानी ठहर गया तो रूट्स खराब हो सकते हैं, पौधा मर भी सकता है। स्ट्रॉबेरी का पौधा पानी चाहिए लेकिन मिट्टी सॉगी नहीं होना चाहिए। स्ट्रॉबेरी को ग्रो करने के लिए ये सबसे अच्छा मौसम है क्योंकि आपकी टेम्परेचर जो है हाईएस्ट टेम्परेचर 30 के नीचे है और लोएस्ट टेम्परेचर 10 के ऊपर है, तो इसी टेम्परेचर में ये अच्छे से ग्रो करता है। इसकी मिट्टी भी अच्छी है जिसमें ये लगा हुआ है, चिकनी मिट्टी नहीं है, इसलिए मैंने इस मिट्टी को रिमूव नहीं किया और मैंने इसको ऐसे इसमें लगा दिया। स्ट्रॉबेरी के पौधे को धूप बहुत पसंद है, इसलिए आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ इसे दिन भर की धूप मिल सके, कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप इसे मिल सके। 6 से 8 घंटे की धूप मिलने की वजह से आपको उसको रोज वाटरिंग करना पड़ेगा। डेली वाटरिंग कीजिए, पौधे को सूखने ना दें। स्ट्रॉबेरी के बारे में बहुत और भी बहुत कुछ है, कैसे ज़्यादा स्ट्रॉबेरी ले, कैसे बड़े आकार वाले स्ट्रॉबेरी ले, इसमें कौन से खाद डालें, ये सब जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। अब तक के लिए मैं सिर्फ इसमें थोड़ी सी सीविड ग्रैन्यूल्स देती हूँ। 15 दिनों के बाद इसमें हम फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।